copy of this. The topic is the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act and participatory governance. The questions that we have raised are, how do you improve the citizens? Is it clear? No, this is not in that document. This is the development indicators for the last question, which we have not been able to mail to you. The rest of it was already mailed. The question, anyway, I am going to read out the questions. How will you improve citizen participation in local governance? How will you ensure that the two acts are implemented in spirit? How will you make sure that the state forms ward committees as expected by the act, where NGOs and CGOs are inducted as committee members? This is absolutely categorically written down in the Maharashtra rules for implementation of the 73rd and 74th CAA, but it has not happened yet. Kerala is the most developed state in India and has ward committees which represent about 10,000 voters. How will you ensure that this is replicable in Pune? The Marathi is also there. I don't think I need to read it, do I? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं कुछ बात तो करूंगा, लेकिन मेरे साथ मैंने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो लाया और इनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिर्फ मैं यहाँ आया हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसने पहले से ही सभी मुद्दों पर बहुत कुछ भूमिकाएँ ली। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो में जो 5 नंबर का पेज है उसका टाइटल ये है, स्वराज डिवॉल्विंग पावर डायरेक्टली टू द पीपल। और बिल्कुल इसमें लगभग जो बातें आपने कही है उसी तरीके से 10 मुद्दे है स्वराज बिल में, कि जो 73rd अमेंडमेंट है गांव के लोगों को अधिकार देने वाली, और जो 74th अमेंडमेंट है कि शहरों में मोहल्ले के लोगों को ज़्यादातर अधिकार देने वाली। उसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वो जो अधिकार दिए हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरी तरह से अधिकार नहीं दिए हैं, और जो अधिकार दिए हैं उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल कानूनन अधिकार देने की जरूरत है गाँव समाज को भी और वार्ड समाज को भी, दो तरह से कि जो सवाल सिर्फ उस गांव समाज से संबंधित है, अगर उस सवाल का तालुका किसी भी तरह से दूसरे गांव समाज से नहीं है तो ऐसी चीजों के बारे में अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से उस गांव समाज को होना चाहिए। और उसी तरीके से अगर कोई चीज सिर्फ उस मोहल्ले से संबंधित है, वार्ड से संबंधित है, तो वार्ड से लोगों को ही निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जो फंड्स आज ऊपर से जाते हैं वो सब टाइट फंड्स होते हैं, किसी योजना के तहत जाने वाले फंड्स होते हैं, और वहाँ अधिकार सिर्फ बेनिफिशियरीज की लिस्ट कराने का होता है जिसमें भी बहुत सारी हेराफेरी होती है। तो आम आदमी पार्टी ने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि टाइट फंड्स के बजाय अनटाइट फंड्स जाने की जरूरत है। कोई उस गाँव के विकास के लिए, वार्ड मोहल्ले के विकास के लिए, मान लीजिए 1 करोड़ की रकम सीधा उस गाँव और मोहल्ले के प्रतिनिधियों के पास भेजनी चाहिए, फिर वो गांव तय करेगा, वार्ड तय करेगा कि उनकी जरूरतें क्या है, और उसके हिसाब से ग्राम सभा में या मोहल्ला सभा में उस पैसे का भुगतान भी, मतलब किस तरह से खर्च होगा ये भी गांव समाज तय करेगा, और काम पूरा होने के बाद, काम ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं इसकी पूरी मॉनिटरिंग और जांच करने के बाद ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार ही भुगतान भी होगा। इस तरीके के बिल स्वराज बिल के नाम से आम आदमी पार्टी लाना चाहते, जो आप सवाल पूछ रहे बिल्कुल उसी भावना से जुड़ा हुआ है। ये है मतलब जो दिया है उस पर भी अमल होना चाहिए, और ताकत इस जिसे हम पंचायत राज कहते हैं और शहरों के बारे में जिसे हम नगर राज भी कहते हैं, तो वो वार्ड सभा, मोहल्ला सभा और गांव समाज को अधिक ताकत देने वाला बिल हम लाना चाहते हैं। इसमें आगे चलकर एक बात ये भी है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है गाँव समाज के इत्यादि, तो उनका भी निर्णय गांव समाज को ही करना है, और गांव समाज ही तय करेगा कि इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में क्या करना है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या मेजर खनिज है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से द्वारा वहां से निकाला जाता है तो उसके बारे में भी एक निश्चित परसेंटेज में रॉयल्टी गांव समाज को मिलनी चाहिए, ताकि वहां से वो खनिज निकाल के लिए जा रहे हैं, वो जो विकास करते हैं उसका नुकसान वो समाज भुगत रहा है, तो इसके कारण एक निश्चित परसेंटेज में रॉयल्टी उस समाज को मिलनी चाहिए। इसमें एक जो बात आपने कही है कि कमेटी में प्रतिनिधित्व होती, निश्चित रूप से एनजीओ सीईओ का प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी मुझे ऐसा लगता है कि असहमति भी मेरी ये होगी
कि कई बार ये होता है कि नागरिक समाज जो होता है सिविल सोसाइटी बहुत सारे मुद्दों पर बहुत अच्छे तरीके से वो सोचते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिप्लिकेबल मॉडल भी ढूंढते हैं और उसके आधार पर कुछ अधिकार वो मानते हैं। मैं भी इसी तरीके का काम करता था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सीधे चुनावी राजनीति से ये सब समूह परहेज रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नागरिक समाज का एक अपना रोल है ही एनजीओ या सीपीओ का, लेकिन जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में उनका ही अधिकतर महत्व होना चाहिए। मतलब महानगर पालिका में आज डेपुटेशन पर आए हुए स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी है उनकी ही ज्यादा चलती है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पार्षद हमारे उनसे ज्यादा सब अधिकारियों की चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। आज जिस तरीके के पार्षद है उनको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये क्या करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति को सुधारना यही अपना उद्दिष्ट होना चाहिए और जो नागरिक समाज के अंदर समाज के अलग अलग समस्याओं के बारे में गंभीरता से सोचने वाले ग्रुप है उनमें से बहुत सारे लोग अगर चुनावी राजनीति के बारे में सकारात्मक पहल करेंगे और वही चुनकर जाएंगे पार्षद के रूप में तो इस पूरी स्वराज की प्रक्रिया को अधिक गति आएगी, ऐसा मैं मानता हूं।